पुरानी जो हमारी कॉपीज़ हैं उससे हम पेपर रोल्स बनाएंगे, फेविकॉल या ग्लू की हेल्प से हम इसको स्टिक करेंगे और इस तरीके से हम इसके रोल्स बना लेंगे। अब बेस बास्केट का बेस बनाने के लिए हम कुछ रोल्स लेंगे और उसको आप देखेंगे कि पहले छोटा सा एक राउंड बनाया और इसके बाद इसको हम धीरे धीरे टर्न करना स्टार्ट करेंगे और टर्न करने का आप जो वे देखेंगे थोड़ा सा लंबा इस तरीके से टर्न किया और अब इसके साइड में जो स्टिक बची थी उस पर ग्लू लगाया और इस तरीके से इसको करके धीरे धीरे दबाते जाएंगे जिससे कि ग्लू उसमें अच्छे से पेपर से चिपक जाए। इस तरीके से प्रॉपर ग्लू लगाएंगे या फेविकॉल लगाएंगे जिससे कि वो अच्छे से चिपकते जाए और उसको प्रेस करते जाइए। आप चाहें तो इसमें रबर बैंड की हेल्प भी ले सकते हैं, जिस थोड़ी देर इसको लगाने के बाद रबर बैंड लगा के रख दिया, सूख जाएगा, फिर हमने आगे वर्क किया। तो इस तरीके से हमारा बेस तैयार हो गया। अब एक पेन की हेल्प से थोड़े सर्कल बड़े चाहिए इसलिए हमने मार्कर लिया हुआ है और उसमें इस तरीके से इसको राउंड बनाते जाएंगे। बीच में फेविकॉल लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये स्टिक होना है प्रॉपर। और इस तरीके से इसके रोल्स बना के हम रखना स्टार्ट करेंगे। फेविकॉल ग्लू की हेल्प से हम इन रिंग्स को इस तरीके से इस पर पेस्ट करेंगे जो कि हमने बेस पहले से बना के रखा हुआ था। देखिए इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे। ये एक रो हमारी इसमें लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकेंड रो लगाएंगे। ग्लू प्रॉपर लगना चाहिए जिससे कि ये स्टिक हो सके। इनके जॉइंट्स जहाँ जहाँ दिख रहे हैं वहाँ पर हमने वापस ग्लू लगाया जिससे कि वो अच्छे से स्टिक हो जाएं, क्योंकि स्टिक नहीं होंगे तो फिर गिरने का इसमें डर रहता है क्योंकि ये खड़े हुए लगे हैं, तो इसलिए ग्लू प्रॉपर लगाएंगे। अब इसके ऊपर सेकंड रो लगाना स्टार्ट करेंगे। जो बीच वाला स्पेस था वहाँ पर हमने जो छोटे वाले सर्कल्स बनाए थे, एक मार्कर पे बनाए थे, एक पेन पर बनाए थे, ये पेन वाले जो सर्कल्स बने हुए थे इस पर हम लगाएंगे। अब ग्लू जो है फेविकॉल उसमें थोड़ा सा पानी को मिक्स करके और इसके पेपर्स पे जो पेपर है इस पर अच्छे से ब्रश की हेल्प से या स्पंज की हेल्प से इसको लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा वाइट एक्रेलिक कलर भी मिला सकते हैं जिससे कि वाइटनेस आ जाएगी, या फिर हम बाद में इसमें एक्रेलिक कलर से पेंट कर लेंगे। अपने मनपसंद का कोई भी एक्रेलिक कलर लेकर हम इस पर पेंट कर सकते हैं। जब हमारा ये थोड़ा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, अभी हमको एक लेयर इसके ऊपर लगानी है जहाँ पर ये सर्कल्स लगे हुए हैं इनके सपोर्ट में लगाएंगे जिससे कि अच्छे से, देखिए हम अंदर की तरफ से लगा रहे हैं जिससे अच्छे से स्टिक हो जाए। तो इसको अंदर की तरफ से हमने एक लेयर एक पेपर रोल लगाया हुआ है
जो इसका बेस बन जाएगा और इस सर्कल्स को गिरने से बचाएगा। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट किया। थोड़ी सी देर पकड़ के रखना पड़ता है जिससे कि एक बार स्टिक हो जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पूरे इस डलिया में, पूरी बास्केट में अंदर की तरफ से ये लगाया हुआ है जो इसको गिरने से बचाएगा, सर्कल्स हमारे प्रॉपर लगे रहें। ऐसे नीचे की तरफ भी हमको भी एक बेस लगाना है। इसको मजबूती देने के लिए ये स्टिक यहाँ लगाना ज़रूरी है। अब ये देखिए बाहर की तरफ से भी लगा रहे हैं। इस तरीके से अंदर और बाहर दोनों तरफ से ये लग के लग जाएगा। इसमें अपने कोई भी मनपसंद का कलर आप चूज़ करके लगा सकते हैं, बट एक्रेलिक कलर ही लगाइएगा। हमने इसमें यहाँ गोल्डन कलर लिया हुआ है। आप इस तरीके से हमने इसको ड्राई ब्रश की हेल्प से लगाया हुआ है, कहीं कहीं लगाया है। आप कोई भी कलर एक्रेलिक का यूज़ कर सकते हैं, बट एक्रेलिक कलर ही यूज़ करिएगा, क्योंकि पोस्टर कलर यूज़ करने पर ये पेपर है इसमें पानी सक हो जाएगा और इसका शेप बिगड़ जाएगा। इसलिए एक्रेलिक कलर ही लगाइएगा, जो फेविकॉल बेस्ड कलर्स होते हैं। इस तरीके से ये बनके तैयार हो गई है।